है सर। ईवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? टर्न्स एन एंड वन के। और ई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एंड टू के अगर ईएमएफ फर्स्ट में ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी फर्स्ट की क्या होनी चाहिए? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा और अगर सेकंड में ईएमएफ ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किस में ज्यादा होनी चाहिए? सेकंड में। तो अब सेकंड मान लो ईएमएफ तुम्हें सेकंड में ज्यादा चाहिए तो कौन सा ग्राफ बड़ा चाहिए? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो नॉर्मल सेम ही रहेगा क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ वो तो सेम ही रहेगा। मैं सेकंड वाले को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, है ना? अगर जो मेरा बाहर से प्राइमरी से आ रहा है उसको छोटा भी कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को ई टू की वैल्यू ज्यादा चाहिए, बड़ी ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स ई टू में क्या करने पड़ेंगे? ज्यादा देखो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूँ इसके। देखो इसका ग्राफ बड़ा नहीं हो गया क्या? अभी और भी दिख जाएगा। अब देखो दिख रहा है ठीक है। यस सर, कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, किसके सेकंड ज्यादा है? सेकंड। के इसलिए ई टू की वैल्यू ज्यादा है। तो जो वोल्टेज पहले आ रही थी ईवन, उससे ई टू क्या हो गई जो बाहर निकल रही है? ज्यादा हो गई। तो ज्यादा देखो वोल्टेज बढ़ गई या कम हो गई? तो इंक्रीज इंक्रीज बढ़ तो बोल देंगे। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है कैसा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप स्टेप अप। स्टेप डाउन के लिए किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए? प्राइमरी में प्राइमरी। प्लस तो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, सेकेंडरी की क्या कर दो? वन कम ये जो आउटपुट वोल्टेज होगी कम नहीं होगी, दिख यस रहा है? सर आउटपुट कम वोल्टेज क्या हो गई थी पहले? देखो धीरे धीरे ये बढ़ रही है, अब धीरे धीरे क्या हो गई? कम इंक्रीज हो गई क्योंकि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न तुमने क्या कर दी? करती तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया अब? स्टेप डाउन स्टेप डाउन। लेकिन देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, करंट तब होता है जब क्या होगा? ईएमएफ क्लोज सर्किट। लेकिन करंट नहीं है तो देखो ईएमएफ होगा। करंट क्या लिखा हुआ आ रहा है? जीरो। क्योंकि यहाँ पर अब रेजिस्टेंस हटा दिया तो सर्किट ओपन हो गया। अगर जैसे ही रेजिस्टेंस लगा दूं तो करंट आने लग जाएगा, दिख रहा है? यस सर क्लियर है ना? बट फिलहाल ये मैंने तुम्हें बताने के लिए दिखाया है स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स किस में चाहिए ज्यादा? सेकंड सेकेंडरी में। और स्टेप डाउन करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा चाहिए? में सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना? प्राइमरी क्लियर है सबको? पक्का? यस सर तो देखो यहाँ पर यही तब ये था। अब तुम्हें दिखा भी देता हूँ मैं तुम्हें कैसे दिखता हुआ। छोटा ट्रांसफॉर्मर ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है छोटा यस सा? ये सर तुम्हारे प्लग के पीछे से यस लगा हुआ है, एक चार्जिंग वाले प्लग पे भी दिख सकता है तुम्हें। और ये तुम्हारे बड़े ट्रांसफॉर्मर जो तुम्हें खंबे पे दिखते हैं तुम्हारे, दिख रहा है? यहाँ से यस सर नहीं है, ये ट्रांसफर कर यस देते हैं, सर ठीक है? अब यहाँ पर देखो, व्हेन द करंट इज रिड्यूस द वायर कैन बी मेड थिनर एंड इट कैन सेव एनर्जी वेस्टेड थ्रू द वायर ब्लास्ट। तो फायर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, करंट भी और नंबर ऑफ स्क्रीन मैंने ऑफ करिए, इसका काम खत्म हो गया। तो बताओ हम क्या चेंज कर सकते थे कर पावर पावर के लिए? वोल्टेज भी और करंट भी। लेकिन मैं किसको प्रेफर करता था? वोल्टेज वोल्टेज को। लेकिन करंट को क्यों प्रेफर नहीं करता था मैं? क्योंकि बच्चे देखो, अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा तो करंट के साथ साथ क्या बढ़ेगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी आर टी। जितना ज्यादा करंट बढ़ता है ना बच्चे, उतना ज्यादा क्या भी बढ़ जाता है? हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है। क्या इफेक्ट ज्यादा होता है? हीटिंग इफेक्ट। तो अब मेरे को हीट करनी है तो मेरी वायर हीट होगी, तो मेरे को थिक वायर लेनी पड़ेगी। कैसी वायर लेनी पड़ेगी? थिक वायर। समझ में आ रहा है? थिक वायर। थिक वायर लेने का मतलब है फिर मेरे को ज्यादा खर्चा, समझ रहे हो? तो हीटिंग इफेक्ट कम करने के लिए मैं करंट की जगह किसको बढ़ाता हूँ? वोल्टेज। तो थिन वायर से भी मेरा काम चल जाएगा, एनर्जी का लॉस कम होगा, एनर्जी का लॉस कम होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं किसको बढ़ाता हूँ? वोल्टेज को घटाता बढ़ाता किसको हूँ? वोल्टेज को बढ़ाता। चलो ईवन बाई ई टू किसके इक्वल हो गया? एन वन बाई एन टू के लिए। अगर नंबर ईवन तुम्हें बड़ा चाहिए ई टू से तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एन वन भी बड़ा करना चाहिए एन टू से। सिमिलरली ऑफ अगर तुम्हें ई टू बड़ा चाहिए ईवन से तो इसे क्या करना पड़ेगा? एन टू को भी बड़ा करना पड़ेगा किससे? एन वन से, राइट? क्लियर है ना सबको? अगर ई टू बड़ा चाहिए तो एन टू बड़ा करो, ईवन बड़ा चाहिए तो क्या बड़ा करो? एन वन। ई टू चाहिए तो एन टू, ईवन चाहिए तो एन। एन चले आगे।
तो इस वाले को क्या बोलूंगा, ऊपर वाले को स्टेप, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो स्टेप क्या है ये, डाउन डाउन, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्टेप स्टेप अप। चलें आगे, चलो अब बात आती है सर, ये मैं तुम्हें दिखा भी दूं, ये देखो ये दिख रहा है, ये सब कुछ वही है, हमने जहाँ V1 V2 लिया, इन्होंने V प्राइमरी और सेकेंडरी ले लिया, बात खत्म, दिख रहा है VS N2 VP N, क्लियर है। स्टेप अप के लिए N2 बड़ा होना चाहिए और स्टेप डाउन के लिए N1, फॉर स्टेप डाउन N1, फॉर स्टेप अप N2। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो अब दो तरीके से है, एफिशिएंसी निकालनी हो मेरे को, अब किसी भी चीज की एफिशिएंसी, देखो लॉस तो हर किसी में होता है, तो इसमें भी होगा, तो एफिशिएंसी की बात आती है जहां भी लॉस होता है, कि हमने इनपुट कितना दिया था और आउटपुट कितना मिला, तो वो कौन कैलकुलेट करके देता है, उससे हमें क्या पता चलती है, उसकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ, दो केस, आइडियल के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो कि कभी भी होता नहीं है एक्चुअल में, आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, रियल या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो कि हमेशा होता है ना। आइडियल कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है क्या, कोई बंदा ही आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर कोई भी दिक्कत करता है, कभी नहीं करता, भी कभी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अंदर कोई दिक्कत ना आई हो, मतलब कोई 100% हर चीज उसमें बेस्ट हो, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, तो ऐसी कभी भी कोई चीज नहीं होगी जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की लेकिन हम बात जरूर करेंगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब जिसको जितनी पावर दी उतनी ही पावर आउटपुट में दी, यानी पी इनपुट उसकी क्या हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन हम बात करेंगे, पी इनपुट किसकी इक्वल हो जाए, अब पी इनपुट क्या होता है, पावर इनपुट का फॉर्मूला क्या है, वी इंटू आई, यही होगा ना, सिंपल सी बात। यस सर, तुम कोस फाई भी लगा लेना, कई बच्चे कहोगे उसमें वाटर, तो कोस फाई से कोस फाई कट जाएगा, इसलिए सिंपल वी इंटू आई, तो वी वन आई वन किसके इक्वल हो जाए, वी टू आई टू, वी टू आई, चाहो तो कोस फाई लगा लेना, तुम्हें पता है नॉर्मल केस है, कोस फाई वन रहेगा क्योंकि आर एलसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, सिंकर सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई चाहे कुछ भी हो दोनों से cos phi कट जाएगा ना आपस में, ऑब्वियस ही बात है दोनों सर्किट तो कैसे ही लगे हुए हैं, LCR सेम लगे हुए हैं, तो जितना उसके cos phi आएगी उतनी ही उसकी cos phi आएगी, क्यों सर, LCR तो सेम ही है ना, R by Z की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या है, cos phi यही होता है ना, R by Z, तो चाहे पहले वाली प्राइमरी कोयल में देखूं वही R की वैल्यू भी वही है, Z की वैल्यू भी वही है, सेकेंडरी में देखूंगा तो R की वैल्यू वही है, Z की वैल्यू वही है, तो P in VI into I इनटू में कोस फाई, यही पढ़ते हैं ना हम यहाँ पर, एसी के अंदर पावर निकालते थे तो यही करते थे ना, वी इनटू आई इनटू इनटू में क्या लिखता था, कोस फाई पावर फैक्टर, याद आया, यस सर, तो कोस फाई लगा दो तो भी दोनों जगह कट जाएगा, इसलिए हम नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है, आओ तो V1 इनटू I1 इनटू इक्वल टू V2 इनटू I2, अब क्योंकि दोनों सेम ही है तो तुम्हें पता है V1 बाय V2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो जहां V1 आ रहा है वहां क्या आ रहा है, ऊपर I2 आ रहा है, तो अभी खास बात ध्यान रखो, हमें एक रिलेशन और भी पढ़ा था, V1 by V2 यानी E1 by E2 N1 by N2, लेकिन अगर यही इक्वेशन मैं ऊपर लगाऊं अब तो मेरा I1 by I2 किसके इक्वल आ जाएगा, N2 by N1, समझ रहे हो ना, क्यों yes, तो नहीं समझ में आता तो ऐसे समझे हो कि मैं V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V1 by V2 की जगह I2 by I2 by V2 किसके इक्वल है, I2 by I1, तो I2 by I1 लिख दिया, इज इक्वल टू V1 by V2 है किसके इक्वल, N1 by N1, तो इसका मतलब क्या इक्वल आ गए, I2 by I1 इज इक्वल टू N1 by N2, समझ में आ रहा है क्या, तो क्या फर्क आ रहा है दोनों में बच्चे, एक इक्वेशन वन ये है, एक इक्वेशन टू ये है,
तो इक्वेशन वन और टू में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? वो सॉरी, वन ये ना मानो, तुम वन नीचे वाली मानो। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में क्या फर्क है? दो, एक में वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स रिलेट हो रही है, दूसरी में क्या हो रहा है? करंट और नंबर ऑफ टर्न्स हो रही है दोनों में, सर अपोजिट, मतलब जैसे n i2 है वो i n1 के, और अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स n1 यानी अगर v1 बढ़ाना है तो n1 को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखो v1 बढ़ाना है तो n1 भी क्या होना चाहिए? बढ़ाना। लेकिन i2 और n2 आपस में कैसे हैं? इनवर्स। v1 और n1 आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली। लेकिन i1 और n1 आपस में कैसे हैं? याद रखना यहाँ पर कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, और यहाँ पर कैसा है? इनवर्सली। समझ में आ रहा है क्या? अगर n1 बढ़ा रहा हूँ तो v1 तो बढ़ेगा लेकिन i1 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है करंट और वोल्टेज इनवर्सली हो जाएंगे। लेकिन ये तभी, देखो ये वाला रिलेशन तो हर जगह वैलिड है, E1 by E2, N1 by N2, हर जगह, क्योंकि ये तो हमने कोई आइडियल ट्रांसफॉर्मर को यूज नहीं किया ना अभी, तो ये तो वैसे ही निकाला है फ्लक्स वाले फॉर्मूले से। क्या यहाँ पर मैंने लिखा है कहीं आइडियल? ये तो हर जगह, लेकिन ये करंट वाला जो रिलेशन आया ये तभी आया जब ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल। तभी तो मैं दोनों पावर को क्या कर सकता हूँ? इक्वल, है ना, तभी ये रिलेशन आ सकता है, वरना ये रिलेशन नहीं आएगा। तो सेकंड रिलेशन इनवर्सली वाला ये तब आएगा जब कैसा होगा? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चले आगे। लेकिन अभी जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर, रियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, वहां पर तो क्या पावर इनपुट आउटपुट के इक्वल होगी? नहीं होगी ना। इनपुट हमेशा कुछ ज्यादा रहती है आउटपुट से, या आउटपुट हमेशा कुछ कम रहती है किससे? इनपुट से, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है ना। तो ऐसी चीजों में हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी को मैं ऐसे लिखता हूँ ईटा से, एफिशिएंसी ये किसके इक्वल होती है बच्चे? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगेन लॉस फाइल लिखोगे तो वो कट जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा बच्चे? पावर आउटपुट, वी आउटपुट यानी वी टू आई टू डिवाइडेड बाय V1 I1। तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो अगर परसेंटेज में चाहिए तो? 100। क्लियर है इन परसेंटेज? तो आउटपुट बाय इनपुट करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा यहाँ तक एफिशिएंसी के बारे में? यस सर। अब ये करके दिखाओ क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। पहले गिवन चीज लिखो, उसके बाद आगे करना। पहले गिवन चीज लिखो फटाफट। जिसका भी हो जाए हैंड रेस करना फटाफट। गिवन गिवन चीज लिखो सबसे पहले। कैसे लिखोगी गिवन? सर प्राइमरी में 300 टर्न्स है, नंबर ऑफ और एन वन दे रखा है कितना? 300। और सेकेंडरी में यानी एन टू दे रखा है कितना? 150। और आउटपुट पावर दे रखी है यानी पी वन या पी टू? मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 22। सिंपल। नेक्स्ट और क्या गिवन है? करंट किसमें गिवन है? सेकेंडरी में, तो 10 एम्पीयर। इनपुट वोल्टेज निकालनी है यानी वी वन निकालना है, और करंट इन द प्राइमरी यानी आई वन। देखो जब तक मेंशन नहीं है आइडियल है, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं रियल वाले को यूज करूं, है ना, वो इक्वेशंस यूज करूं जो हमेशा वैलिड है। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लास्ट तक कि मेरे को और कोई तरीका दिख ही नहीं रहा और कुछ गिवन है ही नहीं जो मैं रियल को यूज कर सकूं, तो मैं कौन सा केस लगा दूंगा? आइडियल का। तो मैं कौन सा केस लगाऊंगा? आइडियल का। लेकिन मैं कोशिश करूंगा
अगर मेरा गिवन वेरिएबल से प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं किसको यूज करूंगा, गिवन वेरिएबल को प्रैक्टिकल वाले तरीके से, वो इक्वेशन अभी नहीं लगवाऊंगा जो किसके लिए वैलिड थी, आइडियल के लिए सिर्फ। समझ में आ रही है ना, आइडियल के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड थी, करंट वाली, आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन, तभी लगाऊंगा जब कोई और चारा नहीं मिल जाएगा मेरे को, और गिवन वेरिएबल से काम नहीं चलेगा तब, वरना मैं कौन सी लगाऊंगा जो हमेशा वैलिड है, इवन वाली। चलो अब बात करते हैं सर, पहले वोल्टेज ही निकाल देते हैं ना, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या तरीका होता है सर मेरा, बताओ। एन वन और एन टू का, वी वन और वी टू का रिलेशन है, लेकिन वी टू तो मेरे को नहीं पता सर, सिंपल मेरे को वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पता है, एन वन बाय एन टू इज इक्वल टू वी वन बाय वी वन अपॉन वी टू। तो एन वन बाय एन टू तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 300 बाय 150। V1 नहीं पता, V2 भी तो नहीं पता, V1 निकालने के लिए V2 चाहिए, V2 मैं निकाल तो सकता हूँ किस से, पावर से, क्योंकि P2 किसके इक्वल होगा सर, P2 I2 है ना, yes, I2 कितना है 10 और V2 कितना है, निकालना है P2 कितना है 220, तो कितना आ जाएगा V2 की वैल्यू 220, तो यहाँ पर लिख दो 220, तो V1 अब कितना आ रहा है बताना, ये कितना हो जाएगा 2 पर कट जाएगा, तो V1 कितना आ रहा है, V1 कितना आ रहा है बच्चे देखो 440 क्लियर है क्या, देख लो सिंपल सिंपल किया और कुछ किया ही नहीं। अब वेथ को बता रहे हैं करंट I1, तो I1 के लिए मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ, या तो पावर वाला फॉर्मूला यूज कर दूं, कौन सा, P1 इज इक्वल टू V1 इनटू I1, लेकिन मेरे को पावर वन भी नहीं दे रखी, क्या दे रखी है बताओ, नो सर, अब तो मैं नहीं यूज कर सकता, अब मेरे पास कोई चारा बचा क्या, नहीं बचा ना, तो मेरे को आइडियल वाला केस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं और कोई चारा, तो इसका मतलब जो इसने बात की हुई है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर की बात की होगी, आइडियल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, I1 by I2 is equal to N2 upon N1, याद रखना यहाँ पर 2 आएगा ऊपर, I1 निकालना है, I2 कितना है 10 N2 by N1 तुम्हें पता है कितना आ जाएगा 150 by 300, तो ये कितना आ जाएगा 1 upon 2, I1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 upon 2 multiply by 10 यानी 5, तो 5 ampere आ जाएगा I1, क्लियर है, यस सर, नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 440 वोल्ट एंड 5 एम्पीयर, किसी को कोई भी डाउट है इसमें, नो सर, चलें आगे, सबको क्लियर है, यस सर, तो यहाँ तक हो जाएगा I1 और V1 की वैल्यू हो जाएगी, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अच्छा डाउट से याद आया बच्चे, कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को वाइवा दिया था, हैंड रेस करना, और अवंतिका भी थी, करिश्मा भी थी शायद, करिश्मा ने दिया था क्या, करिश्मा ने नहीं दिया था, ऐश्वर्या ने हुआ है, ने दिया था, ऐश्वर्या ने दिया था, दीपिका ने दिया था, अवंतिका, अवंतिका कहाँ है तो शायद क्लास में नहीं है, और भी थे बच्चे, तो और कौन बच्चा था जिसने वाइवा दिया था मुझे, बी वन बैच के तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेरे को वाइवा दिया, जिया भी थी शायद, जिया भी थी बिल्कुल, जिया कहाँ है, जिया भी नहीं आई क्लास में आज, ये री जिया है, जिया सो रहे हो क्या, नो सर, हाँ तो हैंड रेस करो, आपने दिया था ना वाइवा, यस सर, हाँ और किसने दिया था वाइवा सर, अनन्या, अनन्या ने, बिल्कुल तुम्हें याद है, देखो अनन्या कहाँ हो, हाँ बच्चे हैंड रेस करो सारे, सबको एक एक नाम थोड़ी लूंगा, हैंड रेस करो सब, यस सर,
सर रीमा की आईडी से ज्वाइन है। हाँ हाँ दिख गया मुझे तुम्हारा नाम, तो अंकिता ने दिया यस था। सर। ठीक है, तो आप लोग बच्चे उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, जिस हिसाब से आपको बोला था? सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड, कई बच्चों को बोला था मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पढ़ रहे हो। यस तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी जब भी होगी, जिन बच्चों को जो वही लिखा हुआ है मेरे पास रिपोर्ट कार्ड में, जिन बच्चों को जो भी मैंने बोला था उसके ऊपर होगा। जैसे कई बच्चों को मैंने बोला था कि अवंती वाली क्लासेस अटेंड करो, एक्स्ट्रा क्लास, होमवर्क अच्छे से, मतलब उसके पेपर्स अच्छे से सोल्व करो अवंती वाले, उसमें डाउट लो एक्स्ट्रा क्लास में। कई बच्चों को मैंने बोला था कि पहले तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो, बोला था ना ऐसे, तो तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो। सर लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड तो सबके लिए ही वैलिड होगा बच्चे, याद रखना सबको। सबसे पहले क्योंकि तुम्हारी सारी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे कम नंबर चाहिए होंगे तुम्हें स्कोर करने के लिए, तुम्हारी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी बाकी कैटेगरी के मुकाबले। तो सबसे पहले तुम कैसे कौन से क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला बेस्ड सबके सब जितने भी हो, दीपिका, ऐश्वर्या, रीमा, जिया, अंकिता और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, ये तो मेरे को, जितने मेरे को वाइवा दिया उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे को वाइवा नहीं भी दिया मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए दिमाग। यस तो सबसे पहले जब भी हमारा वाइवा होगा किसी भी बच्चे के साथ, तो मैं क्या अप्रोच चेक करूंगा उसकी, फॉर्मूला उसको कितना समझ में आता है, और अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दूंगा तो वो कितने अच्छे से कर पाएगा। पहला लेवल यही होगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा। क्लियर है ना सबको? यस चलो सर। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, चलो फिर चलते हैं आगे। हाँ लोअर कर लो बच्चे। अब इसके अंदर देखो क्या की मैंने, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है, अब तुम खुद बताओ क्या क्या गिवन है। सर इनपुट पावर गिवन इनपुट पावर यानी P1 है। यस 2300 और स्टेप डाउन दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन N1 इज इक्वल टू 4000 N1 दे रखे, कितना 4000 4000 आउटपुट पावर यानी कितना क्या दे रखा है अब, P2 230, सॉरी नहीं, ध्यान से देखो ये पावर नहीं दे रखी बच्चों दोनों में, ध्यान से देखो क्या गिवन है। 2300 वोल्ट है सर वो, तो क्या दे रखा है P1 ऐसे ही, क्या गिवन है बच्चे V2 230 वोल्ट, और क्या गिवन है बच्चे करंट करंट इन प्राइमरी प्राइमरी यानी आई I1 5 एम्पियर। एफिशिएंसी यानी एन की वैल्यू, ईटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 90% 90% 90%। ठीक है, तुम्हें पूछा गया आउटपुट करंट यानी I2 की वैल्यू तुमसे पूछी है, तो अब पहले तुम अप्रोच लगाओ अपनी कैसे लगाओगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, फिर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके खत्म काम पूरा, एल्स ये हमारा खत्म हो जाएगा। बट पहले के लिए ये समझो कि क्या होगा, खुद सोचो कैसे कैसे क्या करूंगा मैं, मेरे को I2 निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा अप्रोच लगानी शुरू करो। ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ना, तो यहीं से अप्रोच लगानी शुरू कर दो, तुम्हारे को सारे फॉर्मूला पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं पता होगा। अब उनको रीअरेंज करना तो तुम्हारा ही काम है ना, करो उसको रीअरेंज। कैसे करोगे, पहले N2 निकाल सकते हैं ना V1 अपॉन V2 देखो, पहले हमेशा वही लिखा करो फॉर्मूला बेस्ड के लिए जो तुम्हें निकालना हो I2, तो I2 निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं। V1 अपॉन V2 इक्वल टू अपॉन अब ये फिर से वही बात हो जाएगी कि मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर यूज करूं या ना करूं, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर वाला केस अगर मेंशन नहीं है तो उसको यूज ना करूं, और I2 वाला फॉर्मूला किस में यूज करता था मैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ना, यस तो अभी के लिए नहीं करते उसको। लेकिन अगर करना भी चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि I2 / I1 लिखोगे N2 / N1, N2 तो फिर भी नहीं गिवन ना, तो फिर कैसे करोगे। एफिशिएंसी वाला एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एफिशिएंसी का क्या लगाओगे फॉर्मूला, आउटपुट पावर यानी क्या, V2 V2 I2 डिवाइडेड बाय V1 I1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में सीधा ही दे रखा है कितना 90। V2 कितना है, V2 कितना है, I2 कितना है निकालना है, V1 कितना है 2300 और I2 कितना, I1 कितना है 5 5, कट रहा है वो काट दो सर, ये तो कट गया सीधा 10 पे, कट गया क्या नहीं। यस यस
आई टू कितना आ जाएगा देख लो यहाँ से, 900 बाय 2 कितना होगा, 900 × 5। देखो कुछ दिक्कत हो रही है, ध्यान से देखो क्या दिक्कत हो रही है, ध्यान से देख लो। इनटू में 100 इनटू में 100, तो यहाँ से काट दो सर, ये 10, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, आंसर आ गया तुम्हारा क्या आ रहा है, 45। क्लियर है क्या? यस सर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। तो देखो वो नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना 2019 में पूछा गया, और देखो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो रहे हैं इसमें, फॉर्मूला, और कुछ भी यूज, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा हो सर, वोल्टेज कम होगी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया है, V2 I2 upon V1 I1, कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, पहले ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर यही क्वेश्चंस, कई बार चांस ऐसा बन जाता है बच्चे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, और उस केस में तुम्हारे को तो कट ऑफ कम चाहिए, तुम आसानी से निकल पाओगे, तो हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए तुम्हें, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? हम क्यों क्यों इतना अपने आपको प्रेशर दे के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, जब तुम्हारा काम अभी छोटे से हो सकता है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज को बहुत डीप में जाकर पढ़े, तो पहले क्वेश्चंस को प्रेफर करेंगे जिनका फॉर्मूला बेस्ड है, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल कर देंगे, पर पहले फॉर्मूला बेस्ड तो अच्छे से करो ना, क्लियर है? चलें आगे। ये आ गया 45 एम्पीयर। अब लास्ट क्वेश्चन, एक करंट है, ये होमवर्क के लिए रखो पहले, तो वैसे मैं कोई होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो लाया था वो अगर रखूंगे यहाँ तो, हाँ ये लाया, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पहले याद रख, दिख रहा है? और इसमें से जिसपे स्टार लगा रखे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें अंदर आर 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 पैरेलल में लगे हुए हैं दो, है ना, हमें आरएलसी सीरीज में पता है, पर थोड़ा सा देख के आना क्वेश्चन, अच्छा है ये, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज लगेगा बस, क्या, 1/R√L/C। 2010 वाला आया हुआ, 2004 वाला आया हुआ, 2004 वाला आया हुआ, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, करके आना, ठीक है, हो जाएंगे, ये होमवर्क हो गया। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर देते हैं सर इसके बारे में, लॉस के बारे में, इसके ऊपर बाद में आते हैं। सर पावर लॉस तो हमेशा होगी ना, अभी देखा है हमने लॉस हो रहा है सर ट्रांसफॉर्मर में, एफिशिएंसी क्या 100% आ रही है, क्या एफिशिएंसी 100% आ रही है रियल ट्रांसफॉर्मर में? नहीं सर, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, तो लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पढ़ेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पढ़ेंगे, एक एल एक वो आता है ना लॉसेस में, यस सर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले तो देखो मैंने तुम्हें बताया, अब वो जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है जिस वायर के अंदर से, उसके अंदर हीट तो जनरेट होगी ना, तो वो कॉपर की वायर जिसमें हीट जनरेट होगी उसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉपर का कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस है, उसके अंदर से करंट जा रहा है तो हीट तो जनरेट होगी सर, क्योंकि H is equal to I square, RT, हीट का लॉस होगा उस वायर में, तो ये तो है एक किस्म से हीट लॉस है, एक किस्म से, है ना, कॉपर वायर है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम कर दे, रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं, R is equal to rho L by A, तो रेजिस्टेंस अगर कम करना है तो एरिया क्या कर दूं, ज्यादा, इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं सर, इसका लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का एरिया लार्ज कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, लॉस भी क्या होगा, कम, तो ये कॉपर लॉस ऐसे मिनिमाइज हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा केस होता है हिस्टेरेसिस, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, हम याद है मैग्नेटिक चैप्टर में, हिस्टेरेसिस कर्व हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हमने क्या नाम दिया था, याद करो, दो फैक्टर थे, एक एक्सटर्नल फैक्टर एक इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या दिया था, करंट आता था, उसका नाम दिया था एक, किसी को याद है, जो वो ग्राफ बनता था कौन सी दो चीजों के बीच में बनता था, हिस्टेरेसिस वाला, ये वाला जो ग्राफ बनता था ये कौन सी दो चीजों के बीच में बनता था, भूल गए, ये छोटी छोटी चीजें तो याद रखा करो बच्चे,
ये ग्राफ बनाया था, बनाया था ना ये ग्राफ, सर कौन सी दो चीज के बीच में बनाया था? एच और आई, आई आई एक्सटर्नल फैक्टर बोलता था एच, जो कि करंट जैसा भी हो सकता था, तो एच की वैल्यू बढ़ाता था तो मैग्नेटाइजेशन होती थी, एच की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में कर देता था तो फिर से क्या हो जाता था, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती थी, होती थी ना ऐसे ही। आई की वैल्यू यस बच जाती थी, रेजिस्ट उसको बोलता था रिटेंटिविटी, फिर उसको कम करने के लिए एच की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता था, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ जाती थी, फिर उसको कम करने के लिए एच की डायरेक्शन को दोबारा से रिवर्स करता था, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन भी होता था और डीमैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन भी होता था, तो ये साइकिल चलती रहती थी, तो मेरा कभी मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, कभी डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था, इसकी वजह से लॉस हो रहा था ना, एक्स्ट्रा एच देना पड़ रहा था मेरे को दूसरी डायरेक्शन में, यस तो इस लॉस को क्या बोलता था, हिस्टेरेसिस लॉस, उस एरिया के अंडर, एरिया अंडर द कर्व अगर निकालता था तो उसी से मेरे को क्या मिलता था, हिस्टेरेसिस का हिस्टेरेसिस लॉस मिलता था, तो वो लॉस भी इसमें होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन होती है और डीमैग्नेटाइजेशन होती है। और मैंने तुम्हें याद हो तो वहां पर बताया भी था कि ट्रांसफॉर्मर में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब प्रोसेस होता है, हिस्टेरेसिस होता है, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, सॉफ्ट आयरन कोर, याद आया, ओके सॉफ्ट यस या ऐसे बोलो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, याद है मैंने बोला था ये बात, तो वही यहाँ सर पर यूज करते हैं, तो हिस्टेरेसिस लॉस होती है कम, किसकी वजह से, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, इसको कम कैसे कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की वजह से, यस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, क्लियर है। कॉपर लॉस हीट लॉस होता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं बच्चे, एरिया एरिया इंक्रीज कर इंक्रीज करने से। हाँ किसी और कलर से कर दूंगा बच्चे अभी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस क्या है सर, अभी हम मान रहे थे ये हमारी प्राइमरी कॉइल थी, ये क्या थी अगर, सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल थी, ठीक है, तो प्राइमरी में जितना फ्लक्स चेंज हो रहा था उतना ही किसमें हो रहा था, सेकेंडरी में हम मानते थे, लेकिन नहीं हो पाता पूरी तरह से, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के चली जाती है, कुछ बाहर भी निकल जाती है, तो सारी की सारी वहां पर नहीं पहुंच पाती, तो इसने फ्लक्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो फ्लक्स होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर लॉस हो रहा है जो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही वहां, तो किसका लॉस हो रहा है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम क्या चाहते हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास हो, तो यहाँ पर एक मटेरियल जो लगाते हैं वो कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, फ्लक्स कौन सा यूज होता है सर, सॉफ्ट आयरन का कोर यहाँ पर लगा देते हैं, क्या करता है सर वो सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर मैं बार बार बताता चुका हूं कि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर कोई दूर से भी जा रही हो तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहेगा, मेरे पास में से होकर जाओ, तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले बाहर निकल रही थी, जो अंदर नहीं जा रही थी, वो भी अब अंदर जाने लग जाएंगी, किस वजह से, सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन कोर, तो फ्लक्स फिर भी कुछ ना कुछ तो लीकेज रह ही जाएगा, क्योंकि कोई भी केस आइडियल नहीं नहीं, होता तो फिर भी रह जाएगा, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कहता है यहां से पास हो जाओ, दूर नहीं जाने देता, तो ये क्या है, फ्लक्स लॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन वजह से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो रहा है, तो ये हो कर मिनिमाइज कैसे होगा, क्लियर सॉफ्ट आयरन कोर के डिफरेंट कोर से सर है, चलो नेक्स्ट, एडी करंट लॉस, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अभी, एडी करंट होता क्या है, ये दिख रहा है तुम्हें, मैंने फिगर बना रखी है, जो देखो ध्यान से, यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों मेरे पास है एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, इसको मैं लेके जा रहा हूं एक कोयल के पास, तो तुम्हें पता है इस कोयल में क्या जनरेट होगा, अगर ये नॉर्थ पोल इधर जाएगा तो करंट जनरेट होगा, अगर ये कोयल ऐसे पड़ी है तो इस कोयल में क्या जनरेट होगा, करंट करंट जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि क्यों, क्या चेंज हो रहा है सर इसके अक्रॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट इंड्यूस होगा सर, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट इसको क्या करेगा, क्या करता है, अपोज मैग्नेटिक के चेंज को अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, पढ़ा है ना फैराडे का फर्स्ट लॉ, यही तो बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस विल अपोज द चेंज इन
फ्लक्स, मैग्नेटिक तो यही होगा सर, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी कोयल को किससे रिप्लेस कर दूं, एक कंडक्टर से, पूरे के पूरे कंडक्टर से, या पूरी की पूरी किससे, मेटल की प्लेट से, समझ रहे हो? ये पूरी क्या है सर, मेटल की प्लेट प्लेट। है सर, ये पूरी की पूरी मेटल की प्लेट है। अब क्या होगा सर, अब मैं वायर मूव, अब मैं मैग्नेट मूव करूंगा तो करंट तो अभी भी इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा होगा सर। एक्चुअल में वो मेटल प्लेट क्या करती है, वो किससे, ऐसा ऐसा लगता है हमें कि वो मेटल प्लेट किससे मिलकर बनी है, पूरी की पूरी बहुत सारी नंबर ऑफ कोयल से, बहुत सारे नंबर ऑफ कोयल से मिलकर बनी है। तो क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, पूरी मेटल बहुत सारी कोयल से मिलकर बनी है, तो हर कोयल में क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, होगा 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 होगा। तो ये स्मॉल स्मॉल सर्कुलर फॉर्म में क्या बनेंगे सर, करंट पैदा होंगे, क्योंकि ये कैसे करंट होंगे, इंड्यूस करंट। ऐसा लगेगा ये जो डिफरेंट 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 मेटल मेटल प्लेट्स किससे मिलकर बनी है, डिफरेंट डिफरेंट इंड्यूस क्राइम मतलब कोयल से मिलकर बनी है। और हमें पता है जैसे ही कोयल होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उसके अंदर क्या जनरेट होता है, करंट। तो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट कोयल है तो हर कोयल में ऐसा लगेगा कि क्या जनरेट हो रहा है, करंट करंट जनरेट हो रहा है। अब ये करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज को अपोज। ये जो करंट बन रहा है इन सर्कुलर फॉर्म्स में, जो करंट बन रहा है ये लूप्स की फॉर्म में जो करंट बन रहा है, इसी करंट को क्या बोलता हूँ, करंट। ये क्या कर रहे हैं सर, अपोज कर रहे हैं। हमें तो ट्रांसफॉर्मर के केस में हमें ये चाहिए ही नहीं है सर, हम तो आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये एडी करंट जनरेट हो जाएंगे उस मैग्नेटिक मटेरियल में ही, जो हमारे वहां पर आयरन कोर लगी हुई है उसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, तो उस पूरी मेटल के अंदर क्या इंड्यूस होने जाएंगे, ये करंट। और ये करंट क्या करेंगे सर, अपोज करेंगे, और ये हमारे लिए तो क्या हो जाएगा, एक किस्म से लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे काम को क्या कर रहा है ये, अपोज कर रहे हैं। तो ये एडी करंट किस में काउंट होंगे सर, लॉस में काउंट होंगे हमारे लिए अभी के लिए। लेकिन क्या ये हमेशा ही लॉस होंगे क्या, नहीं, कई बार ये हमारा फायदा भी होता है। जैसे इसका दो सबसे बड़े फायदे होते हैं इसमें, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में, कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, वो मेटल का जो उसमें वो होते हैं क्या नाम है, टायर्स वगैरह, वो मूव करते हैं, इनकी ब्रेकिंग में कैसा होगा सर, वो मेटल है अभी तो, वो थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा जमीन से ऊपर चल के ऐसे चलते हैं वो टायर्स, है ना, थोड़ा सा हवा में मान लो तुम ऐसे चलेंगे 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 आगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनको रोकना होगा तो हम ब्रेक लगाते हैं, लेकिन वो ब्रेक कैसी होती है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। क्या होता है, जैसे ही मैं ब्रेकिंग का सिस्टम ऑन करता हूँ, ये जो टायर्स हैं ये किसकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, मैग्नेटिक, मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर, तुमने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के थोड़ा सा नीचे देखना तुम्हें पता लग जाएगा, हवा में बिल्कुल तो कैसे ही चलेंगे ना वो। लेकिन देखो मेन कमांड समझो इसका, तुम्हें यहां से इमेजिन हो जाएगा, जमीन से ना समझो तो तुम ऐसा समझो कि जब ब्रेकिंग लगाते हैं तो तुम्हें क्या होगा, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे उसमें कैसा सिस्टम एक्टिवेट होगा ये देखो, उनको किसके अंदर ले आएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दिख रहा है यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ। जैसे ही ये मैग्नेट, ये टायर जब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड। तो टायर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते करते क्या हो रहा है उसके अंदर से, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, अब कुछ और हो जाएगा, चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस पूरे मेटल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट, सर्कुलर फॉर्म में। वो कौन से करंट होंगे, एडी करंट। और वो क्या करेंगे मोशन को, अपोज करेंगे सर, अपोज करेंगे, तो वो धीरे 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 स्लो हो जाएगा, इसलिए क्या लग जाएगी, ब्रेक। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का, लेकिन ये इन्फ्लुएंस में मैग्नेटिक फील्ड के तभी आएंगे जब क्या करनी हो हमें, ब्रेक लगानी हो, वरना नहीं आएंगे। ये ऐसा समझ लो, ये मैग्नेट वाला पार्ट थोड़ा सा हवा में, जैसे ब्रेकिंग होगी तो ये नीचे आ जाएगा पार्ट, फिर ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही एक और जगह इसका यूज होता है, इंडक्शन इंडक्टर, हीटिंग इंडक्टर में, या इंडक्शन हीटिंग में, इंडक्शन में हीटिंग में, इंडक्शन हीटिंग पूरा और नाम होता है।
उसमें क्या करते हैं हम फर्नेस वगैरह को हीट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तुम्हें पता है एडी करंट जब भी प्रोड्यूस होंगे वहां पे भी ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस होते हैं, एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन तुम्हें पता है अगर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट के कारण कौन सा लॉस आता है, हीट लॉस है ना। तो इस हीटिंग को हम यूज कर लेते हैं गर्म करने के लिए, तो हीटिंग फर्नेस में भी इसका यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, हीटिंग फर्नेस में। तो ये भी किसके लिए यूज होगा, कौन से किससे यूज होगा, एडी करंट। तो एडी करंट यहाँ पर हमें क्या फायदा दे रहे हैं ना, तो हमेशा एडी करंट लॉस में हो, लॉसेस की तरह काम आए वो जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट क्या होते हैं, लॉस ही होता है किसी से, क्या होता है लॉस। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हो भाई, एक मेटल प्लेट है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे, एडी करंट है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर या सॉरी क्लोज लूप पाथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पाथ को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। कैसे सर, मैं इसको ऐसे बना दूंगा लूप की फॉर्म, छोटे छोटे दिख रहा है क्या। यस सर। तो अब जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा जहां पे फ्लो करेगा। तो इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। कैसा बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर। तो यहाँ पर अब वो एडी करंट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, वो वाला पाथ उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। पहले तो पूरी तरह से क्या मिल रहा था उसको, क्लोज लूप मिल रहा था, अब नहीं मिल पाएगा। इसको क्या बोलते हैं वैसे, लेमिनेटेड कोर, क्या बोलेंगे, लेमिनेटेड। तो इससे एडी करंट को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेन यही है, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। देखो यहाँ पर दिखा हुआ दिख रहा है लेमिनेटेड कोर, पहले ये ऐसे थी कोयल, अब इसको कैसे बदल दिया ऐसे। तो अगर वहां पर भी हमने रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, लेमिनेटेड कोर मैं दिखा भी देता हूँ। देखो और पहले एडी करंट की डेफिनेशन देखो, दीज आर द लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस विद इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लूप्स है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में बन रहा था जो अभी मैंने बताया था, है ना, याद है सबको, अभी दिखाया था जो मैंने, ये देखो ये लूप्स की फॉर्म में बन रहा। तो ये एडी करंट है बच्चे। और देखो कम कैसे कर सकते हैं, देखो लास्ट में लिखा भी हुआ, कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर में ही तो बनेंगे, मैंने बताया ना सॉफ्ट आयरन कोर में ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर एडी करंट्स बनेंगे जो अपोज करेंगे। लेकिन अगर इसको कम करना है तो उसको सॉफ्ट आयरन कोर को किसकी फॉर्म में ले लूं, लेमिनेटेड कोर की, ऐसे ताकि करंट का हमें कोई इफेक्ट कम हो जाए, सिर्फ इसी वजह से। क्लियर है, Yes, sir. तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे अभी मेरे से, चले आगे। Yes, sir. तो ये लास्ट क्वेश्चन, वैसे होमवर्क तो मैंने दे दिया लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर छुट्टी। देखो क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या गिवन है वही लिखो फटाफट, क्या गिवन है, करंट प्राइमरी यानी आई और V1 भी कितना गिवन है, 220 और क्या गिवन है सेकेंडरी में, V2 और क्या गिवन है, पावर लॉस गिवन है इस बार, क्या गिवन है, कितना गिवन है, 50% I2 निकालना है, I2 निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ भाई, भाई अब तो पक्की बात है पावर लॉस हो रही है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो नहीं है, तो आई वन वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब किसी बच्चे ने अगर ये फॉर्मूला यूज कर दिया ना बच्चे, वो 100% क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए था, आइडियल के लिए। अब ध्यान से देखो क्या कर सकता हूं मैं, तुमको निकालना है आई टू, कैसे निकालो, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में समझ लेना, मैग्नेट वाला पार्ट ऊपर है, तो कि फिर इमेजिन नहीं हो पाता, इमेजिन नहीं हो पाता ना, टायर हवा में है तो फिर चल कैसे रहे, है ना। इसके लिए तुम्हें वो दिखाऊंगा मैं इसकी वीडियो कैसा सिस्टम होता है, चलो पर फिलहाल यहाँ पर करो आई टू, फटाफट करो फटाफट। पावर लॉस का मतलब 50% पावर लॉस है, अगर यहाँ पर एफिशिएंसी गिवन होती तो मेरा काम बन जाता ना। यस सर।
तो तुम निकाल लेना, 50% पावर लॉस है तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 50% लॉस हो रहा है तो 50% ही बची, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50%, 50%। समझ रहे हो भाई, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का कितना डिफरेंस आ रहा है, 50% आ रहा है ना, समझ रहे हो, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50, 50। समझ रहे हो बात को, यस सर, समझो, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करते हो तो लॉस कितना हो रहा है 50%, ओरिजिनल कितना था 100%, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना बच गया एफिशिएंसी 50%, ऐसे ही निकालते ना सिंपल, तो एफिशिएंसी भी इसका मतलब 50% है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी 50% यानी 50/100, ऐसे लिख दूं, या ऐसे नहीं करना तो तुम सिंपल अपना फॉर्मूला यूज कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो 100, एफिशिएंसी की जगह लिख दो 50, V2 कितना है 2200, V1 कितना है, I2 कितना है निकालना, I2 कितना है, I1 5, V1 कितना है 200, मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो गई, 22 वो कितने पे जाएगा, ये 100 पे जाएगा, राइट, क्लियर है ना, yes, तो यहाँ पर कटोगे तो कितने पे चला जाएगा 20 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, I2 4 पक्का देख लो, I2 कितना आ रहा है 5/20, 20, 1/4, 1/2, क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना, सही आंसर नहीं आ रहा, अब बताओ कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम, V2 I2 2200 इनटू में I2 कितना है, है ही नहीं, I2 तो दिया ही नहीं हुआ, नीचे क्या है 220 मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सिंपल करके देखें एक बारी, करो करो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो जाए बस, बाकी हो सकता है पीछे भी गलत हो, मैंने आज कंफर्म नहीं किया पर फिर भी देख लेते हैं, 50 V2 कितना है 2200, I1 कितना है, I2 कितना है, नहीं I2 V1 कितना है 200, I1 कितना है 5 और इंटू में 100, इसको सिंपल सोल्व कर दो, ये तो चला जाएगा कितने पे सर 50 × 100 है ना, ये कितने पे चला जाएगा सर 220 × 10 पे चला जाएगा, और यह 5 × 2 × 4, तो आंसर तो अभी भी क्या आ रहा है 1/4 यार, ठीक है बच्चे ये आंसर, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कोई अप्रोच इसने गलत चेंज करी हो तो, फॉर्मूला तो सही लगाया हुआ भाई साहब ने, एफिशिएंसी 1/5 आ रही है बिल्कुल ठीक है, हमारा भी यही आ रहा था, वी एस की वैल्यू इसने 200, हाँ यही गलती कर दी इसने, इसने वी एस की वैल्यू क्या लेनी थी 220 ले ली है, इसने कितनी ले ली 220, तो यहाँ पर यहाँ चेंज कर दिया 220 आ जाएगा, तो एक पावर ऊपर भी आ जाएगा, 1/10 ऊपर आ जाएगा ना फालतू में, तो 5 × 2 × 4 हो जाएगा यहाँ, तो 2 × 2 × 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर भी कितना आ जाएगा 1/4, क्लियर है ना, तो हमारा आंसर सही था, किसी को कोई डाउट, नो सर, देख ठीक है 1/4 सही था, इसमें मिस प्रिंटिंग एरर थी इसके अंदर, मैंने लिख दिया बाकी यहाँ पर भी, क्या गलती थी इसकी, वी एस को क्या लेना था इसने 22 × 100, क्लियर है ना बच्चों, देख लो, फिर भी किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है बेझिझक, कोई वो नहीं है, हाँ या ना तो बोल दो भाई, आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी की, क्लियर है सबको, यस सर, हाँ पीछे प्रिंट था बच्चे और कुछ नहीं था, पीछे 220 की 2200 की जगह उसने क्या ले लिया 220 ले लिया बच्चे, और हालांकि नहीं लेना चाहिए था ना, तुम खुद ही सोचो अगर 50% लॉस हो रही है तो वोल्टेज सेम हो जाएगी क्या, नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/4, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे ना बच्चे जेई में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, हाँ एक तरीके से कभी कभी आ जाता है वो है आरसी सर्किट से पूछ लेता है कभी कभी, क्या पूछ लेता है
आरसी सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस लगाओ, एक क्या लगाओ, कैपेसिटर, उस सर्किट को भी ट्रांसफॉर्मर के साथ कभी कभी कंबाइन कर देते हैं, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो, वो हम आगे पढ़ेंगे तो वो कर देंगे, लेकिन उसके अलावा अगर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर्मूला बेस्ड, समझ में आ रहा है, सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है बच्चे, हमने शुरू से लेकर एंड तक देखो सारे फॉर्मूले ही तो पढ़े हैं इस चैप्टर में, ये देखो देख रहे हैं, ये सारा जेई लेवल का ही था, पावर लॉस कभी कभी पूछ लेता था कंसेप्चुअल फॉर्म में, इसलिए मैं लेके आया था, और पावर लॉस में भी सबसे इंपॉर्टेंट लॉस कौन सा है, एडी करंट वाला लॉस, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया, ये अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, कराओगे क्या अब? यस सर। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, बाकी बच्चे जा सकते हो, और ये होमवर्क अब भेज, इतना उम्मीद कर लूं क्या ये होमवर्क भेज दोगे मेरे को करके? कोई बच्चा हाँ नहीं बोल रहा, नहीं भेजोगे? करेंगे, हो जाएगा तो भेजेंगे। हाँ तो भेजना है इसका, तो फिर इसकी प्रॉब्लम भी ले लेंगे हम, कब लेंगे इसकी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा क्लास में ले सकते हैं, मंडे को एक्स्ट्रा क्लास है हमारी, मंडे को हम ले सकते हैं इसकी प्रॉब्लम, लेकिन मंडे को इससे अच्छा एक और काम भी करना है, क्या करके आना है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, जो टेस्ट होगा कल उसके डाउट, उसका पहले 12th वाला पोर्शन करके आ, फिर उसका कौन सा पोर्शन करेंगे 11th का, क्लियर है, हो सकेगा तो हम 12th कर देंगे, अगर तुम्हें 11th ज्यादा समझ में आ रहा तो 11th पहले कर देंगे, पर कोशिश करेंगे पहले 12th वाला ही पूरा करेंगे, चलें आगे, क्लियर, आज के लिए इतना ही होगा बच्चे, ओके थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।